सरकार क्या ध्यान दे रही है, पैसा किस बात का ले रही है, समझ नहीं आ रही। ना सुना है ना सुना। हाँ राज सुना, मेरी दो ट्रेन छूट गई, एक टोपी को बचाते थे बचाते मैं बच गया, तो मैं नीचे गिर जाता। हेलो गाइस, तो मैं हूं दी एडवेंचरस वाला। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपका भाई आज रेलवे स्टेशन है छपरा जंक्शन, तो आपको पता नहीं होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, केदारनाथ। तो बहुत एक्साइटेड मैं हूँ केदारनाथ जाने के लिए, कोई प्लान नहीं था, अचानक से प्लान बन गया, तो चलते हैं। हमारी ट्रेन आने वाली है जो अमृतसर से चल के जाएगी बरेली तक, मैं जाऊँगा उससे आगे भी जाती है वो ट्रेन। तो फिलहाल केदारनाथ जाएंगे, आपको भी दिखाएंगे, हर तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो पहले चलते हैं स्टेशन के अंदर। तो फिलहाल हम स्टेशन के अंदर आ चुके हैं और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1, हमारी ट्रेन इसी पे आने वाली है। और ये रहा मेरा टिकट जो मैंने कई बार सोचने के बाद लिया, मैं सोचा लूँ ना लूँ लेकिन ले लिया, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मुझे टिकट लेना ज़रूरी है, नहीं तो और बंदे क्या करेंगे, मैं नहीं लूँगा तो। और ये देखिए अचानक से जहाँ टिकट काउंटर है छपरा का, वहाँ देखिए धूला, पता नहीं इतना धूला कहाँ से आ गया, लोग अपना बिस्तर वस्तर साफ कर रहे हैं और मतलब धूला कहाँ से किसी को पता नहीं। और ये हमारी ट्रेन आ चुकी है और यही हमारी ट्रेन है जिससे हम जाने वाले हैं बरेली, और बरेली से चेंज करके कासगंज और कासगंज से एटा। सो गाइस, फाइनली हमारी ट्रेन निकल चुकी है छपरा जंक्शन से और अभी हम ट्रेन में जाएंगे। हम देखिए हमारी ट्रेन आगे जा रही है, यहाँ से स्टॉपेज तो ज़्यादा है लेकिन कल सुबह 5 बजे तक पहुँचा देंगे। चलते हैं, हमारा आपको सीट दिखाते हैं, हमारा सीट कहाँ है। तो हम अंदर आ चुके हैं और हमारा सीट रहा ये, और हमारा सामान रहा है नीचे और बैग है हमारा ऊपर। तो ट्रेन में मजे लेंगे और कल सुबह 5 बजे तक उतर जाएंगे हम। तो आइए, तो ट्रेन के अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए ट्रेन के इतनी रहते हैं। ये व्यू कितना मस्त लग रहा है, देखिए एक ट्रेन आ रही है तो एक ट्रेन जा रही है, मतलब एल टाइप का बना हुआ, कितना मस्त लग रहा है। सो गाइस, फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं गोरखपुर और ये रहा हमारे पीछे गोरखपुर स्टेशन और ये रही हमारी ट्रेन। तो हम गोरखपुर आ चुके हैं और मैं रास्ते में ट्रेन रुकी थी 2-3 जगह, लेकिन फ़ोन उतना चार्ज है नहीं, पहले फ़ोन चार्ज करने का उपाय लगाते हैं। और सुबह 5 बजे उतरेंगे लगभग, और ये ट्रेन में से उतनी भीड़ है नहीं लेकिन गोरखपुर में भीड़ हुई है, बहुत लोग कह रहे हैं यहाँ से, देखते हैं आगे का सफर कैसा होता है। सुना, सब आदमी सुना है ना, सुना हाँ। तो अभी हम बस्ती आ चुके हैं और अभी हम बस्ती स्टेशन पे हैं और ये रहा हमारे पीछे बस्ती। तो हम अभी बस्ती पहुंच चुके हैं और बहुत चीज बातचीत हो चुकी, लेकिन अब चलते हैं उस ट्रेन के बारे में जानकारी दे दें आपको, ट्रेन का बाथरूम कैसा है, क्या क्लीन है या नहीं है, क्या जनरल, ये मतलब पूरी बोगी जनरल है, ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें रिजर्वेशन है ऐसी, ऐसा कुछ नहीं है, पूरी बोगी जनरल है। क्या इसका कैसा क्या हाल है, क्या जो अदर्स ट्रेन की जनरल की बोगी होती है वैसी है या उससे कुछ हट के है, क्योंकि ये पूरी जनरल है तो इस पर तो कुछ ज़्यादा विशेष सरकार को ध्यान देना चाहिए और रेलवे को ध्यान देना चाहिए। तो आइए आपको पहले दिखाते हैं लैट्रिन बाथरूम क्या साफ़ सुथरा है या कैसा है। तो हमें अंदर घुसते ही हमें देखने को मिला ये स्थिति है ये ट्रेन की बोगी की। और ये जन सेवा, ये अमृतसर, और इस ट्रेन का नाम क्या है, जन सेवा। तो इस ट्रेन का नाम है जन सेवा और इसकी स्थिति ये है कि आपको क्या बताए, देखिए ये गुटखा खा के थूके हुए, अभी गोरखपुर रुकी थी, बदतर ये होता है जनरल की स्थिति। और ये मतलब उससे भी जो रिजर्वेशन में होता है, बाथरूम दिखाते हैं आपको, देखिए ये मतलब चूतियापा है, मतलब सरकार क्या ध्यान दे रही है, पैसा किस बात का ले रही है, समझ नहीं आ रहा। ये बाथरूम देखिए, मतलब गाली देने का मन कर रहा है मन से, ये कौन सा कंडीशन है, बोतल ठूसा हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो आपको दिखाती है, ये बाथरूम दिखाता हूँ, इसका भी वही हाल है। अब बताइए जो ट्रेन में पैसेंजर है, लोग हैं, कहाँ जाएगा, कहाँ लैट्रिन बाथरूम करने जाएगा, कुछ तो कॉमन सेंस होना चाहिए सरकार को। और रेलवे पैसा सिर्फ टिकट का लेती है, सफाई पे ध्यान देती है या नहीं, कुछ यहाँ लोग हैं उनसे पब्लिक से पूछते हैं, क्या आपको बाथरूम सही लगा, नहीं क्या किसी को बाथरूम जाने लायक है, सरकार से कुछ क्या कुछ कहना चाहते हैं, पैसा लेते हैं किस बात का, कुछ तो ध्यान देना चाहिए। आप ये देख सकते हैं गुटखा है, कुछ तो मतलब कि कोई लेडीज है इसमें, है नहीं कि सिर्फ जेंट्स जा रहे हैं, जेंट्स तो कैसे मैनेज कर लेंगे, लेडीज कहाँ जाएंगी, जेंट्स तो नीचे उतर के बाथरूम कर लेंगे, लेडीज कहाँ जाएंगी, सरकार को
कुछ सोचना चाहिए यार इसके बारे में, बहुत स्थिति खराब है। चलिए क्या ट्रेन सफाई होती नहीं है, गोरखपुर तो बोल रहे थे कि साफ सफाई हुआ है, ऐसा तो मुझे कुछ दिखा नहीं, कहीं नहीं होती है, उधर साफ सुथरा हुआ है। नहीं नहीं उधर तो मतलब वही स्थिति है, ऐसा लोग बोल रहे हैं साफ सुथरा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं साफ सुथरा नहीं हुआ है और इतनी बुरी हालत है। ठंडा पानी, आपको तो बाथरूम की हालत दिखाई मैंने, इतनी ज्यादा खराब है, सरकार को तो गाली देने का मन कर रहा है दिल से कि ये कोई चुतियापा है, मतलब बाथरूम वाथरूम क्या कैसे, सरकार पैसा सिर्फ नाम के लिए लेती है, मुंह से इतनी गाली आ रही है। मैंने लैट्रिन आपको दिखाया कैसी स्थिति, बोतल टूसा हुआ था, गाली तो वीडियो में यूज नहीं करना चाहिए लेकिन क्या बताऊँ, ऐसी हालत है तो करना ही पड़ेगा। और कुछ भाई लोग हमारे हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं। आप लोग बाथरूम की तरफ गए थे? गए हैं, गए हैं। कहा बाथरूम कैसा है? पूरा लैट्रिन से भरा पड़ा है। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं सरकार को? गाली और जो भरा सो निकाल दो आज, कि सरकार के पास संदेश पहुंचे। सरकार से यही कहेंगे कि जो उसको सफाई अच्छा तरीका से करें। पैसा तो पूरा लेते हैं, पूरा पैसा लेते हैं। मान लीजिए लेडीज की कोई लगा तो क्या, लेडीज को बाथरूम टॉयलेट लगा तो कहाँ जाएगी? आप तो जेंट्स से मान लीजिए उतर जाइएगा नीचे, वो तो है। दो मिनट के लिए पूरा समस्या है लेटरिन के वास्ते, है ना, थोड़ा क्या बहुत है। तो चाचा बोल रहे हैं, तो चाचा आप सरकार से कुछ अनुरोध करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं कि हाँ ध्यान दे, चाहे कुछ आपका शिकायत हो? तो मेरा यह है कि जो लैट्रिन की साफ सफाई अच्छा तरीका से कराएं, जो जनता लोग को सुविधा हो लैट्रिन पे खाना जाने में, ठीक है। और क्या कहेंगे इसके, चाचा कहने का मतलब है कि आप जो सुविधा है दीजिए, पैसा तो भरपूर लेते हैं आप, इसमें कोई एक रुपया कम रहेगा तो टिकट नहीं लेंगे, एक रुपया तो आप ले लेंगे, उल्टा ले लेंगे, लेकिन आपके पास एक रुपया हमारे पास कम रहेगा तो आप टिकट नहीं देंगे। तो इसके साफ सफाई का ध्यान दीजिए आप लोग, थोड़ा सा सरकार से यही निवेदन है और रेलवे सरकार से। और ये ट्रेन का नाम बाबा आप ही बताइए। जनसेवा एक्सप्रेस, जनसेवा अमृतसर को जाती है ये ट्रेन है, जनसेवा। जो आप सरकार कृपया करके इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि पूरी जनरल है, ऐसा नहीं है कि इसमें एसी है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर आप जनरल बोगी चला रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो गाइस सुबह हो गया है और सबको गुड मॉर्निंग, और हमारी ट्रेन लगभग 3-3.5 घंटे लेट है, और अभी हम हैं बरेली कैंट के पास, ये रहा पीछे बरेली कैंट। और पूछिए मत, मेरी दो ट्रेन छूट गई, एक 7 बजे थी जो वहाँ से कासगंज मुझे जाना था वो भी छूट गई, एक 8 बजे थी वो भी छूट गई इस ट्रेन के कारण, क्योंकि ये ट्रेन इतनी ज़्यादा लेट है क्या बताऊँ, 3-4 घंटे लेट है। और ये लेट पता है कहाँ से हुई है? मात्र आपको बताता हूँ, 50-60 किलोमीटर के अंदर ये 3 घंटे लगा दिए आने में, सिर्फ आने में, क्या बताऊँ। कल आपने देखा बाथरूम का हाल, और अभी वैसा ही पड़ा हुआ है, ना कोई बाथरूम ठीक से जा पा रहा है ना कुछ, वैसा ही कंडीशन है। और कल चाचा एक राय जी अपने में झगड़ा कर लिए थे, देखा ही आपने। तो अभी चलते हैं बरेली, पता नहीं कितने देर में जाएगी बरेली, जाने के बाद ट्रेन तो छूट गई है, शायद 9 बजे फिर से एक ट्रेन है वो पकड़ेंगे, तो मुँह हाथ धो के कुछ नाश्ता वास्ता करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद चलेंगे कासगंज, कासगंज से चलेंगे एटा, और एटा जाके अमन से मिलेंगे और वो भी आपको दिखाएंगे। सो गाइस फाइनली मैं बरेली पहुंच चुका हूं, और अभी यहाँ हमारी जो दो ट्रेन छूट गई थी अभी 9:45 में है, तो बाहर चाय हुए पी ले तब तक। और मेरी टोपी उड़ गई है, मेरी टोपी कल ट्रेन में से उड़ गई, टोपी को बचाते बचाते मैं बच गया, तो मैं नीचे गिर जाता, टोपी तो गई तो मैंने गमछी बांध ली बिहारी स्टाइल। तो चलते हैं चाय पानी पी लेते हैं, कुछ ब्रश व्रश भी कर लेते हैं। तो हम फाइनली कासगंज पहुंच चुके हैं और चलते हैं बाहर, बस स्टैंड कहाँ है मुझे तो पता नहीं है, अमन को कॉल करते हैं, पूछते हैं, खोजते हैं बस स्टैंड, उसके बाद चलते हैं एटा, एटा जाने के बाद अमन से मिलेंगे। और चलिए पहले चलते हैं स्टेशन के बाहर। देखा भाई पवन ब्लॉग, तो हमारे भाई लोग आ गए एटा में लेने में। हेलो गाइस, तो मैं हूं दी एडवेंचरस वाला दामो, और मैं हूं इनका दोस्त जिगरी, जिगरी दोस्त, हां जिगरी दोस्त। अरे अरे बहुत ब्लॉग पे समाप्त कर दे, ब्लॉग को समाप्त कर देना आराम से, वो कैंप बन रहा है वहां पे, चलेंगे कहां कैंप बन रहा है, कैंप बनवा रहे हैं यार गाइस। तो अभी कैंप बन रहा है, रात को कैंपिंग करेंगे कल या परसों, तो होप करते हैं आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।